अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफ़िज़ा अलीसा यूकू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीसा यूकू। टुडे वी स्टडी ऑन थेरीज ऑन क्राइम। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि क्राइम क्या होता है और क्राइम की डिफरेंट थेरीज को स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से जो है वो क्राइम होता है या क्राइम के पीछे जो है वो फैक्टर्स क्या होते हैं और क्राइम की वजह से जो है वो हमें किन नुकसान का या किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फाइव थेरीज और करैक्टरिस्टिक लाइक साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफर अपीलिंग इनसाइट इनटू व्हाई एन इंडिविजुअल मे कमिट अ क्राइम। इधर डिफरेंट फाइव थेरीज दी गई हैं कि जिनके अकॉर्डिंग के क्राइम के पीछे की रीजंस जो हैं इन फाइव में से हो सकती हैं, यानी कि उसकी जो साइकोडायनेमिक थेरी के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई उसकी नीड्स और डिमांड्स वगैरह फुलफ़िल नहीं हो सकी जिसकी वजह से वो सप्रेस करके जो है फदर आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, या उसकी मॉरल थिंकिंग डिस्टर्ब हो गई हो, या उसका ये बिहेवियर है, उसने कोई बिहेवियर थेरी की री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है उसको मॉडलिंग करने की उसके बिहेवियर को, या उसकी जो पर्सनैलिटी है कि न्यूरोटिसिज्म, एस्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस, इनके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम, कोई फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, या उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ठीक नहीं है, या उसका माइंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या ज़्यादा जो है वो इस तरह उसकी इम्पल्स जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। व्हेन एग्जामिनिंग साइकोलॉजिकल थेरी ऑफ क्राइम, वन मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द थ्री मेजर थेरीज, कि सबसे ज़्यादा जो है वो साइकोडायनेमिक थेरी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किस तरह के थे, क्या उसके चाइल्डहुड में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, इसकी वजह से तो नहीं वो आगे फदर भरे होकर जो है वो अडल्टहुड एज के अंदर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा, या उसका जो बिहेवियर है उसने कोई सोसाइटी से ये चीज़ें लर्न तो नहीं की हुई कि सोसाइटी में वो देख रहा है या उसके घर में इस तरह का इन्वायरमेंट है वो देख रहा है किस तरह क्राइम वगैरह हो रहे हैं जिसकी वजह से वो फदर आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और थर्ड जो है कॉग्निटिव थ्योरी के एक इंडिविजुअल है उसकी परसेप्शन किस तरह की है, वो किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है, क्या वो क्राइम को क्राइम समझ रहा है, उसकी मॉरल थिंकिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, या वो क्राइम करके उसके ऊपर शर्मिंदा नहीं है, उसे कोई भी गिल्ट नहीं हो रहा। वाई डू इंडिविजुअल कमिट क्राइम, के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्राइम क्यों करते हैं, क्यों सोसाइटी के अंदर जो है वो क्राइम होते हैं, क्यों जो है इंसान क्राइम करने के पर मजबूर होते हैं, ये क्वेश्चन जो है हर एक इंसान के माइंड के अंदर आते हैं कि क्राइम के पीछे की रीजंस क्या हैं। तो क्राइम के पीछे की रीजंस यही है कि या तो है वो उस इंसान ने अपने चाइल्डहुड में वो चीज़ें देखी होती है, या उसे इंसाफ नहीं मिला होता जिसकी वजह से वो भी तंग आके जो है वो आगे देखता है कि जब इधर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी की कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो भी आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है, या क्राइम की उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या उसने वो चीज़ें लर्न की हैं, ये पीछे रीजंस होती हैं क्राइम के जब एक इंडिविजुअल जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब एक क्राइम होता है, क्राइम के पीछे एक ऑफेंडर जो रीज़न अब देखी जाती है कि क्राइम करने वाला जो है सबसे पहले वो क्राइम को क्राइम समझ नहीं रहा, उसे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होना अच्छा लग रहा है, वो पसंद कर रहा है, उसके बाद क्या है कि कोई प्रॉपर जो है कोई गार्डियन नहीं है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है जिसकी वजह से एब्सेंस को वो देखते हुए जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, और तीसरी जो है उसे वो उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको वो टारगेट मिल रहा है कि वो ईज़िली जो है वो कर सकता है, इस वजह से जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। साइकोडायनेमिक थेरी, प्रोपोनेंट ऑफ साइकोडायनेमिक थेरी सजेस्ट डैट एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस डाटा ग्राउंडेड इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी साइकोडायनेमिक थेरी के अकॉर्डिंग के जो एक इंडिविजुअल अगर वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका क्राइम जो है उसके माइंड के अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड उसका चल रहा है, उस यानी कि जो उसके अगर उसके चाइल्डहुड के अंदर जो है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रह गई हैं, बैठी हुई हैं, वो आगे जो है फदर उसकी पर्सनैलिटी बनाती हैं और वो आगे जो है ना क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा छोटे तो उसे जो है उसकी बराबरी के हकूक नहीं मिले, उसके साथ बाइसनेस की गई है, उसके साथ ज़्यादती की गई है, तो वो चीज़ें उसके माइंड के अंदर बैठी होंगी, तो बड़े होकर वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होगा और वो कहेगा कि मैंने अपना हक जो है वो इस तरह से लेना है, या मेरे साथ किसी ने उस टाइम पर ज़्यादती की थी और मैंने इस तरह से जो है ना अपनी चीज़ें पूरी करनी है। ये साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है इंसान की पर्सनालिटी बनाती है और वो जो है फदर आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड बाय सिगमंड फ्रायड, ये सिगमंड फ्रायड ने ये थ्योरी दी थी जो कि साइकोएनालिसिस का फाउंडर था। इंपैरेटिव टू दिस थ्योरी आर द थ्री एलिमेंट, इसके अंदर जो है मेन एक इंसान की पर्सनैलिटी बनने के अंदर थ्री एलिमेंट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या होती है कि एक इंसान जो है इड के साथ पैदा होता है कि उसका यानी दिल कर रहा था कि हर चीज़ जो है ना उसको मिल जाए, जो वो चाह रहा है वो हो। उसके बाद आती ईगो, ईगो होती है जी रियलिटी बेस, जबकि सुपर ईगो जो होती है वो होती है मोरालिटी बेस,
यानी कि इड के अंदर एक इंसान कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर वो उस टाइम चाह रहा है कि मुझे कोई चॉकलेट चाहिए तो उसे उस टाइम चॉकलेट चाहिए। अगर ईगो, ईगो बेस क्या है जी, रियलिटी बेस है, रियलिटी के अंदर वो देखेगा कि यार ये वाली चॉकलेट नहीं, अगर इस इतने पैसों में आ सकती तो मैं कोई और चॉकलेट ले लेता हूँ। और मोरालिटी बेस क्या है कि वो कहेगा कि मैंने चॉकलेट खा के क्या करना है, चलो छोड़ो मैं इन पैसों की किसी और की हेल्प कर देता हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं और आगे जो है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो है इसकी वजह से चेंजिंग्स आती हैं। अगर किसी इंसान की वो इड, वो ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई होगी, वो इन चीज़ें फुलफ़िल नहीं हुई होंगी, तो वो उसकी जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएंगी उसके चाइल्डहुड से, और फर्दर जब वो बड़ा हो जाएगा अडल्टहुड एज में आएगा तो उसकी वही चाइल्डहुड की चीज़ें जो उसकी जो इंस्टिंक्ट, उसकी जो नीड, उसकी डिमांड, जो उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई हुई, वो उसे मजबूर करेंगी, उसे रागिब करेंगी कि वो जो है फर्दर आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। बिहेवियरल थेरी मेजर साइकोलॉजिकल थेरीज बिहेवियरिज्म। दिस थेरी मेंटेन डेट ह्यूमन बिहेवियर इज डेवलप थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके अकॉर्डिंग क्या कि ह्यूमन जो है वो सीखता है, यानी कि वो चीज़ें उसका बिहेवियर बनता है कि वो लर्न करता है, चीज़ों को लर्न करता है और फिर वैसा उसका बिहेवियर बन जाता है, वैसे उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। यानी कि एक इंसान है, अगर एक इंडिविजुअल उसके घर में जिस तरह का इन्वायरमेंट या उसके जो बड़े हैं उसके वो जो है जिस तरह का बिहेवियर वो देखेगा या वो स्क्रीन देखता है, उसके ऊपर उसने जिस तरह का बिहेवियर देखना वैसा ही बिहेवियर जो वो अडॉप्ट करेगा। अगर वो स्क्रीन पर इस तरह के क्राइम वगैरह देख रहा है तो फिर वो वैसा बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वैसे ही उसका अगर किसी ने कोई बिहेवियर इस तरह अडॉप्ट कर वो देखेगा कि उसे उसके में नेगेटिव बिहेवियर की जो है उसके बाद उसे पनिश किया जा रहा है, तो उसका वो जो बिहेवियर है वैसे वैसे ही उसका वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो देखता है कि किसी ने इस तरह कोई क्राइम किया और उसके क्राइम को रोका नहीं जा रहा, जैसे कि आजकल हो रहा है कि क्राइम सरेआम हो रहे हैं, उन क्राइम से रोका नहीं जा रहा, किसी को पूछा नहीं जा रहा, तो ऐसे जब एक इंसान इन चीज़ों को देखता है तो उसको होता है कि जब कोई पूछने वाला नहीं है, जो जिस तरह का वो अपने फैमिली का इन्वायरमेंट देखता है या जिस तरह का वो देखता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का है, वो उसके इर्द गिर्द का माहौल किस तरह का है, या वो जिस तरह के सोशल मीडिया पर जैसी वो चीज़ें देखता है वैसा ही वो अपना बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। अगर वो क्राइम को देखेगा और वो देखेगा कि क्राइम को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा और आसानी से क्राइम का मौका मिल रहा है, देन जो है वो फर्दर आगे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। कॉग्निटिव थेरी थर्ड मेजर साइकोलॉजिकल थेरी इज कॉग्निटिव थेरी। इन रिसेंट ईयर सिग्निफिकेंट गेन हैव बीन मेड इन एक्सप्लेनिंग क्रिमिनल बिहेवियर विद इन द कॉग्निटिव थेरी फ्रेमवर्क। यानी कि थर्ड थेरी जो है कॉग्निटिव थेरी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह का मेंटल प्रोसेस, कैसे थिंकिंग होती है कि जो वो इंडिविजुअल होते हैं वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल किसी क्राइम को क्राइम समझ ही नहीं रहा, वो उसके उसके ऊपर मोरालिटी, उसकी मॉरल थिंकिंग ही वर्क नहीं कर रही, उसको एक क्राइम क्राइम नहीं लग रहा, दैन जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी के अंदर अखलाक है मौजूदा से पता कि एक क्राइम है और क्राइम करने से दूसरे इंसान का नुकसान भी हो सकता है तो वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके जो है ये आगे फर्दर थ्री लेवल्स हैं, जैसे कि लेवल वन प्री कन्वेंशनल, लेवल टू कन्वेंशनल और लेवल थ्री पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम इसे आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है सबसे फर्स्ट वाली, जिसके अंदर एक इंसान जो है वो ओबे कर रहा होता है, उसको जो कहा जा रहा होता है तो वो उसका जो है ओबीडियंसी शो करता है, उसको फॉलो करता है। और अगर वो ओबीडियंसी शो नहीं करता तो जो अथॉरिटी फिगर होते हैं, जिस तरह स्कूल प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं कि उसने जो है वो नहीं, अगर वो फॉलो करता किसी भी बात को। तो ये होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज। यानी प्री कन्वेंशनल के अंदर क्या कि इंसान जो भी काम देख रहा है उसके अंदर उसे या ओबीडियंसी शो करनी, अगर वो ओबीडियंसी शो नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। जबकि सेकंड स्टेज आती है कन्वेंशनल स्टेज, जिसके अंदर एक इंसान जो अडल्ट जो हैं वो जो भी बिहेवियर करते हैं अपने उस बिहेवियर को इस नज़र से देखते हैं कि सोशली व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सोसाइटी उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यानी कि अगर कोई इंसान अगर क्राइम करने लगा तो वो देखेगा कि क्या इस क्राइम को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी की नज़रों के अंदर ये क्राइम क्या, ये होगी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ये होती है कि एक इंसान जो है एक इंडिविजुअल है वो किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है या अपना वो कोई भी एक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर वो ये देखता है कि वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता कि सोसाइटी उसे किस तरह से देखेगी, या सोसाइटी के अंदर वो जो उसका एक्ट है वो एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है। उसका जो दिल करता है वो वैसा एक्ट करता है, चाहे वो कोई क्राइम है या जो जैसा भी एक्ट है वो उसे परफॉर्म करता है। ये होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यानी कि सबसे पहले हमने इसके अंदर बेसिकली जो है वो थ्री थेरीज के अकॉर्डिंग देखा है कि एक इंसान अगर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो हो सकता है कि बचपन उसका जो चाइल्डहुड है वो अच्छा ना गुजरा हो, जिस वजह से फर्दर वो आगे अडल्टहुड में आके अपनी उन चीज़ों को, अपनी उन इंस्टिंक्ट को, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। सेकेंड बिहेवियर थेरी के अकॉर्डिंग एक इंसान जो चीज़ों को देखता है वैसे ही वो लर्न करता है,
कि अगर वो ऐसी क्राइम को होता देख रहा है, उससे वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। थर्ड होती है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कि मॉरल थिंकिंग, कि एक इंसान जो क्राइम कर रहा है तो क्या उसको वो सोसाइटी में देख रहा है, कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं, या वो उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।